भाई और हमारे पड़ोसी भी जनाब हनुमान जी बेनीवाल साहब लाडनू विधानसभा के लाडले छोटे भाई विधायक मुकेश जी भाकर रामू राम जी साहब चेयरमैन राउत खान जी और सम्मानित मंच कालूराम गेनाना मेरा भतीजा दिख नहीं रहा है। आज मैं थोड़े ही समय के मायने थांगे गांव में दोबारा शु वोट मांग बनाया एमपी का और एमएलए चुनाव वाला मान थे इतना वोट दिया बांग के लिए मैं हमेशा ही थान लोगों को धन्यवाद करता यहाँ और धन्यवाद आगे भी करता रहते। अब मेरी बात सोलूंगा का सगड़ा मारे तो संबंधित लोगों थे थाने एक बात के नहीं चाहूँ कि थांके वो नाली बात थी ना बात की पानी वाली बा मारी थनकेड़ी मुकेश जी को पहलो एमएलए फंड आई ने भी थाने वो काम करवा दिया और पहले फंड आई चुनाव बाद में और वो थाको काम होशी आभार में और भी गेल माई बात करी पहले फंड में था काम हो। दूसरी बात था ना एक बात कह दू थे गांव में वोट मांग मन को नहीं ए हनुमान जी बेनीवाल मारे नागौर के मायने ना पड़ोसी है मारो मकान आगो मकान भी रोड पर 100 मीटर को फास हुआ है समझ गया ना पड़ोसी में हुआ भाई पो तो ये भाई पर नहीं बता पूरा चोड़ूंगे गांव का 36 कौम का हाथ जोड़ और अरदास है कि सब अपना जगह जगह वोट देता भी है बन पक्का करना है और भी दिन नकाना है ज्यादा ज्यादा वोट ई बात को हाथ उठा और थे के दो सगला जरा सगला हाथ उठाओ सगला दोनों उठा लेते सगला प्रचार करो ना। अब अगली बात सुनो अब हमारी बात सुनो मुकेश जी बात हम कह दी पहलो फंड आते था के काम और दूसरी बात हनुमान जी बैठे है आंख के ना हाथ पकड़ देख अश्वन आधी रात का तो आधी रात का आज तीसरी बात हमें एक बात कहनी चाहूं मैं मुस्लिम समुदाय और कायम खानी समाज के मायने थांके कोई इयांग लो संसद आजादी के बाद में आयोगे जो थांकी हिंदुस्तान की संसद के मायने थांके आरक्षण की बात करे आयो तो बताओ ए हनुमान जी रिया दो बार ए विधानसभा में संसद में थांको क्यों सुन उठे तो ई वास्ते थांकी समस्या जी के ना आप लोग सब ग्रामीण अंचल का लोग आपस में जुड़े ना तो थाना ई चीज को करना है कि भाई हनुमान जी बेनीवाल नहीं आप खुद चुनाव लड़ते आप बात करते सब जगह जितना भी अपने वोट मांगला जय हिंद राम राम साहब अस्सलाम। आज आज ग्राम पंचायत चोलुखा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रखी गई इस चुनावी मीटिंग में मंच पर विराजमान हमारे प्रत्याशी व सांसद हनुमान बेनीवाल साहब लियाकत खान जी पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन साहब रावत खान जी उप प्रधान कालूराम गेनाना जी पीसीसी मेंबर शौकत खान जी कानाराम जी मेघवाल साहब रामू राम जी साग साहब नाइक साहब बोजक साहब सभी पदारेड़ा सारा बड़ा बुजुर्ग और युवा साथी। देखो 19 तारीख ने चुनाव है और आज की पंचायत है मैं अभी गाड़ी हनुमान जी भाई साहब ने बताओ नरिया लारे एनडीए उरिया पेली निर्दलीय भी लड़े अब की आपने सबकी इच्छा पूरी होगी सगला को मन होगी भाई अपन जत्ता एक विचारधारा का लोग जका 36 कौम की बात करा दलित अल्पसंख्यक किसान बे लोग एक मंच पर होना चाहिए अब वो मंच एकदम तैयार है आप लोगों की तरफ मैं जिम्मेदारी ली हूं कि भाई आप पंचायत मारे ही भी हूं 21 रेसी 19 कौन रहे और आप लोगों की दो तीन काम की जिकी बात है बे आज पहली भी थान चुनाव आयोजित में क्यों भी बजट आसी पे लो बजट आप लोगों का करा और अब हनुमान जी भाई साहब आया क्योंकि पंचायत पूरी तहसील में जिकी टॉप था कि रेसी जिला बिम पंचायत चोलुखा रेसी तो जो भी काम हुई आंको बजट है वो जी दिन एकजुट होकर वोट डाल जो बाकी जी लियाकत साहब कियो आपा कोई काम के लिए जब भी पांच जना इकट्ठा उठ जाओ तो आप लोगों की सुनवाई उसी की जिम्मेदारी मारी है आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूं और क्योंकि लंबो जिलो है 8 अपन तो एक विधानसभा में फिरनुआन 8 जगह विधानसभा में जानो रोज 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक कार्यक्रम चले तो मैं सीधा आमंत्रित करूं हनुमान जी ने कि आपकी बात आपने बीच रखी चोलुखा में दो जोरदार जयकारे लगाए बोले ख्वाजा साहब की तेजाजी महाराज की राम साहब पीर की
उपस्थित सरपंच साहब, छोटे भाई और आपके लोकप्रिय विधायक मुकेश जी भाकर, लियाकत साहब, कालू राम जी गैनाणा और चेयरमैन साहब यहाँ के हमारे रामू जी, पूरी कांग्रेस पार्टी की, शौकत खान जी पीसी मेंबर हमारे, पूरी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम मंच पे जो है, और सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, चोड़ुका में शायद पहले भी मैं आया था आपके 19 का जो चुनाव था, और आपने स्वागत सत्कार किया, जितना हो सकता मेरी मदद भी की, 14 में भी आया था, अब की बार जोश मेरी तरफ दिख रहा, पूरा पूरा आशीर्वाद आप मुझे दोगे, मुझे उम्मीद है, और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हितों पे कभी कोई कुठाराघात नहीं होगा, अगर किसी भी तरह की तकलीफ होगी तो आगे खड़े मिलेंगे, पीठ दिखा के नहीं भागेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए दिल्ली में सत्ता छोड़ी, किसानों के लिए, जवानों के लिए, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, दिल्ली की संसद में हमेशा नागौर का, राजस्थान का नाम आगे बढ़ाया, कभी पीछे नहीं होने दिया, और सबसे ज्यादा संघर्ष किया राजस्थान की सड़कों पर, चाहे बजरी का मामला हो, चाहे बिजली का हो, चाहे कोई गरीब आदमी को किसी अपराधी ने परेशान किया, दलितों पे बढ़ते अत्याचार, हमेशा मुझे आपने संघर्ष करते हुए देखा, और कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से हमने जो नागौर में शुरुआत करी थी, उस शुरुआत का ही परिणाम है कि नामा से महेंद्र चौधरी, हनुमान बेनीवाल, फिर मुकेश भाकर, रामनिवास कावड़िया, 5-7 नए नेता आपको नागौर को यूनिवर्सिटी और कॉलेज से मिले, जो आगे तक लंबा चलेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे, और ये शायद नागौर पहला जिला है जहां इतने सारे एक यूनिवर्सिटी के नेता, विधायक, सांसद और मंत्री इस नागौर के अंदर है। मैं इतना ही आपको आश्वस्त करूंगा कि जो आपके काम है वो तो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं, एमएलए साहब का बजट है, एमपी मुझे बना दोगे तो डबल इंजन अपना हो जाएगा दोनों का, हमारा और इनका, और भजन लाल सरकार में दम नहीं कि हमारा काम रोक सके, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रोकेंगे सड़कों पर आ जाएंगे, और सड़कों पर आएंगे तो आप जानते हो बीजेपी के लोग सड़क पे लड़ नहीं सकते, और हम तो बहुत लड़ाई लड़ी साहब 20-25 साल के अंदर, आपने देखा होगा, और एक चीज और देखी होगी कि कभी भी भाईचारा बिगड़ने नहीं दिया किसी भी तरीके से, जातीय भेदभाव भी नहीं होने दिया, लड़ाई अगर कोई लड़ी, कोई बात भी होगी, बीच में आके राजीनामे कराए, लोगों के आग नहीं लगवाई कहीं पे भी, इसलिए लोग दोनों तरफ से आशीर्वाद दे रहे। मैंने देखा चोड़ुका बहुत बड़ा काम है, मेरे साहब को कह रहा था कि एमपी और एमएलए, ये जेजेएम जो होती है, जो पैसा दिल्ली से आता है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, उसका चेयरमैन एमपी होता है, टंकी आपके चोड़ुका में भिड़ते ही बड़ी बढ़ी जाएगी टंकी, मैंने आपको बता दिया, बढ़ने सुनो बनने में तो टाइम लगे, 4-6 महीने, एक दिन में कौन बने, ये एमएलए साहब और हम मिलके, अरे मारे पहले ही कर देंगे हम तो पहले ही, अब लियाकत साहब को लाए गारंटर के तौर पे, हमारा गारंटर लियाकत साहब और हमारा खास भाई है, 14 मारो शिकार करियो खड़ो करे तो मैं तो 1 बजे कर लियो, अरे कार्यकाल तो चालू तोड़ दो, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने आपको एक बात बता दी कि ढंग के आदमी के साथ जुड़े, बोर्ड तो रोज ही नहीं चलते, बोर्ड दिए वो लादे कटे बोर्ड दे जो भाग जाओ छोड़, ये आपको मिलते हैं, एमपी कहां मिलते हैं मुझे बताओ, एमपी तो मिलते ही नहीं है, बोर्ड लेते हैं भाग जाते हैं, अब पार्टी बदल कह रहे कांग्रेस ने हमारे क्या दिया, अरे कांग्रेस ने दिया तुम लोगों को 50 साल, और भाइयों जो मैं कह रहा हूं, अगर अपना होली, दिवाली, ईद, इसमें मैं शुभकामनाएं दे दूं और उसमें भी गलत बात करें, इससे ज्यादा गलत बात हो सकती है, इस देश में कौन व्यक्ति है जो ईद, होली, दिवाली में धर्म, धार्मिक मान सब करते हैं, अपना धर्म है, ये लोकतंत्र है, कल मेरे हेड आ गए तो दिन भर बीजेपी में लिख के, यार ये कितनी गलत बात है बताओ, तो मैंने कहा मैं तो सभी दे रहा, यार तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम भी दो ना, कौन मना कर रहा है, तुम खुद तो दे नहीं रहे हो, दूसरों को कुछ करने नहीं दे रहे हो, हमें किनको क्या करना, हम खुद स्वतंत्र है भाई, हम कोई पार्टियों के नहीं बंधे हुए किसी से, अब अलायंस इंडिया अलायंस है, उसके साथ आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि अब देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये खत्म कर देंगे, वोट बंद करा